जानना जरूरी है। पुराने समय में एक कहावत प्रचलित थी, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे होगे खराब। लेकिन अब इस कहावत का थोथापन सिद्ध हो चुका है। शरीर विज्ञान से संबंधित वैज्ञानिकों ने सिद्ध कर दिया है कि व्यक्ति के स्वाभाविक विकास के लिए खेलना कूदना भी उतना ही आवश्यक है जितना कि पढ़ना लिखना। सही तथ्य तो ये है कि खेल कूद मनुष्य की सहज प्रवृत्ति है। बालक स्वभावतः ही खेलता है, ऐसा नहीं है कि उससे खेलने कूदने को कहना पड़ता है। खेलने की प्रवृत्ति बाल्यकाल में अधिक होती है, हालांकि खेल कूद के प्रति कम या ज्यादा रुचि तो जीवन पर्यंत बनी रहती है। ऐसे कुछ ही लोग होते हैं जो खेल कूद के प्रति उदासीन होते हैं। जो लोग किसी कारणवश स्वयं नहीं खेल पाते, वे अन्य लोगों को खेलते देखकर आनंदित होते हैं। सभी खेल दौड़ भाग वाले नहीं होते हैं। खेलों को हम मुख्य रूप से दो भागों में बांट सकते हैं, शारीरिक खेल और मानसिक खेल। कुश्ती, क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, टेनिस आदि शारीरिक खेल हैं, जिनमें व्यक्ति को अधिक शारीरिक श्रम करना पड़ता है। इन खेलों को खेलने से उसका शारीरिक व्यायाम होता है। वहीं लूडो, कैरम और शतरंज जैसे खेल मानसिक खेल हैं, जिनमें हमें किसी विशेष प्रकार की शारीरिक मेहनत नहीं करनी पड़ती, मात्र मस्तिष्क का प्रयोग ही करना पड़ता है। एक कहावत है, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का वास होता है। ये बात पूर्णतः सत्य है। खेलने से हमारा शरीर चुस्त दुरुस्त रहता है। खेल व्यक्ति का स्वस्थ मनोरंजन करते हैं। स्कूल में पढ़ाई करके घर लौटा बालक खेल कूद कर स्वयं को तरोताजा महसूस करता है। एक वयस्क व्यक्ति को भी मनोरंजन की आवश्यकता होती है, वो भी कोई खेल खेल कर या खेल देख कर अपना मनोरंजन करता है। कई लोग किसी कारणवश खेल नहीं पाते, वे टेलीविजन पर खेल कार्यक्रम देख कर ही अपना मनोरंजन कर लेते हैं। सही दृष्टि से देखा जाए तो बड़े हों अथवा छोटे, खेल सभी के लिए आवश्यक है। जो बालक समय पर खेलते कूदते हैं और साथ ही पढ़ाई लिखाई पर भी ध्यान देते हैं, वे अपने जीवन में भी सर्वांगीण प्रगति कर पाते हैं। विभिन्न प्रकार के खेल खिलाड़ियों में परस्पर सहयोग की भावना को विकसित करने में सहायक होते हैं। क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल जैसे खेल अकेले नहीं बल्कि पूरी टीम के साथ खेले जाते हैं। इन खेलों में कोई भी खिलाड़ी अकेला टीम को जीत नहीं दिलाता। जब सारे खिलाड़ी आपस में उपयुक्त सामंजस्य बनाकर खेलते हैं, तभी टीम विजयश्री प्राप्त करती है। सामूहिक खेल खेलने वाले लोगों में एक दल के रूप में कार्य करने की भावना का विकास होता है। खेल कूद के समय हार या जीत को लेकर गंभीर नहीं होना चाहिए। खेल कूद में हार जीत तो चलती ही रहती है। फिर ये भी स्वाभाविक ही है कि प्रत्येक खेल में एक पक्ष जीतता है तो दूसरा पक्ष हारता है। अतः न तो जीतने पर बहुत ज्यादा प्रसन्न होना चाहिए और न ही हारने पर मन को दुखी कर लेना चाहिए। जीवन में सुख और दुख के क्षण आते ही रहते हैं। वैसे भी सुख दुख दिन और रात के समान होते हैं। दिन के बाद रात आनी स्वाभाविक है और जब रात हुई है तो उसके पश्चात दिन होना भी निश्चित है। इसलिए दुख के क्षणों में अधिक परेशान नहीं होना चाहिए। इस संबंध में यही विचार करना चाहिए कि जब दुख आया है तो उसके बाद सुख भी आएगा ही। जीवन में कोई सफलता पा लेने पर हमें कभी इतराना नहीं चाहिए। ऐसे में हमें अपने मन का संतुलन बना कर रखना चाहिए। जो लोग खेल कूद के दौरान मिलने वाली हार या जीत से मन को संतुलित रख पाते हैं, उनका जीवन के प्रति भी ऐसा संतुलित दृष्टिकोण सहज ही हो जाता है। जीवन में संतुलित दृष्टिकोण अपना कर मनुष्य प्रसन्न तो रहता ही है, साथ ही सफलता की सीढ़ियां भी निरंतर चढ़ता रह सकता है। इस प्रकार खेलों से हमें शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य की प्राप्ति के साथ साथ बुद्धि कौशल, सहन शक्ति और सहयोग जैसे गुणों की वृद्धि में भी सहायता मिलती है। खेलों का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। इनसे मिलने वाले लाभों को देखते हुए हम सभी को खेलों के लिए समय अवश्य निकालना चाहिए।